अभी हम मौजूद है शहीद स्मारक पर, जहां पर पिछले 8 दिनों से लगातार अतिरिक्त विषय के डिग्रीधारियों की नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, पिछले वर्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रीट शिक्षक भर्ती का आयोजन करवाया गया था, जिसमें लगभग 5,000 से अधिक पदों पर अभी नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है। जिस ऐसे में ये लगातार अभ्यर्थी पिछले 8 दिनों से शहीद स्मारक पर अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पिछले 8 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की तरफ से कोई आश्वासन या बुलावा आया? सर, 1 तारीख से हमारा धरना प्रदर्शन चालू है, उसके ऊपर कोई सरकार की तरफ से कोई हमारे डेलीगेशन को पर्सनली बुलाया नहीं गया है। हम जरूर नेताओं के पास जाते हैं, लेकिन थोते आश्वासन के सिवाय हमें कुछ नहीं मिला। सर, कोई किसी नेता के पास जाते हैं तो अपना पीछे छुड़ाने के लिए बोलते हैं, बात करेंगे, लेकिन बात नहीं करते हैं। सर, एडिशनल डिग्री 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता है उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट फिक्स सब्जेक्ट कॉलेजों में जो सेट होता है वो हमें दे दिए जाते हैं। सर, तो हमारा जो पसंदीदा सब्जेक्ट है वो कोई सब्जेक्ट छूट जाता है, उससे चौथे फोर्थनल सब्जेक्ट। सरकार से हमारी मांग है कि एडिशनल डिग्री धारियों ने एग्जाम दिए हैं, 2-2 एग्जाम पास किए हैं, पात्रता परीक्षा के पास की, फिर मेंस का अलग से सब्जेक्ट का पेपर पास किया, उसके बाद में हमारी मेरिट जारी हुई, मेरिट में हमने रैंक से हम पास हुए हैं, उसके बाद में हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन नियुक्ति देने की बात आई तो सरकार ने यहाँ लाकर हमें रोक दिया है। सर, हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें ज़्यादा मजबूर ना करें। हमने 10 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं, आज से हमें मजबूर होकर अनशन भी चालू करना पड़ रहा है। देखिए, तमाम अभ्यर्थी रीट अतिरिक्त विषय से जुड़े हुए हैं और लगातार नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से लगातार यहां पर शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पिछले 8 दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है, शिक्षा मंत्री की तरफ से वार्ता के लिए कोई बुलावा नहीं? सर, हमें अभी तक कोई भी बुलावा नहीं मिला है और हम उसी इंतजार में है कि हमें कोई बुलावा दे, हमारी बात सुने। सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। सर, अभी तक आपका शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है, क्या आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा आपके द्वारा? वो जरूर करना पड़ेगा अगर सरकार ऐसे नहीं मानती है तो। शांति से हम तो 10 दिन से उनका इंतजार कर रहे हैं, कोई आया ही नहीं अभी तक हमें बताने के लिए। कहाँ से? मैं हनुमानगढ़ से आया हूँ। देखिए, प्रदेश भर के अभ्यर्थी हैं जो लगातार पिछले 8 दिनों से अतिरिक्त विषय की नियुक्ति की मांग को लेकर सरकार के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। मैम, पिछले 8 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से आपके बुलावा है कोई वार्ता की? सब बुलावा तो दूर की बात है, शायद हमारी बात उनको अभी तक भी समझ में नहीं आई है। और बुलावा तो क्या देंगे हम, उनके रिश्तेदार थोड़ी है जो उनको बुलावा देंगे। बात यह है कि वो हमारे मैटर को प्रॉपर ले ही नहीं रहे, या तो अधिकारी लोग उनको फिर से ये बोल रहे कि मैटर कोर्ट में, और शिक्षा मंत्री उस मैटर को कोर्ट का नाम सुनते ही ये साइड में रख देते हैं। बार बार यही चीज़ हो रही है, पिछली बार भी यही हुआ था और अभी भी यही हो रहा है। अब हमें यही समझ में नहीं आया शिक्षा मंत्री को और कौन से तरीके से जाके ज्ञापन ही दे सकते, हमारे कंट्रोल में तो यही है। पिछले 8 दिनों से आपका शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है, अगर आपकी मांगे नहीं मानती है सरकार तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा? जी सर, हम तो शिक्षक है, उग्र के नाम पर हम अनशन पर बैठ सकते हैं, हम गांधीवादी पथ पर चलना ज़्यादा पसंद करेंगे, उग्रता हमें पसंद नहीं है। बट ये है, अभी तो एक बैठी है, वो प्रेग्नेंट भी है, अगर कल ना उनको कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार पूरी की पूरी सरकार होगी। चीज और आगे तो क्या बोले। देखिए, तमाम अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से लगातार शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार इन अभ्यर्थियों की सरकार से यही मांग है कि सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू किया जाए। मैम, पिछले 8 दिनों से लगातार आप अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन करें, किन किन समस्याओं को आपको गुजरना पड़ा? सर, समस्या तो हमने जब से फॉर्म फिलअप किया है तब से आ रही है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि ये लास्ट स्टेज हमारी धरने तक आ जाएगी। क्योंकि हमारा जो, जब हम किसी भर्ती प्रोसेस से गुजरते हैं तो हमारा मेन मोटो ज्वाइनिंग होता है, लेकिन फिर भी हमें धरने से आ रहे हैं। तो हर एक जो हमसे कमोबेश जो कनेक्टेड है उन सभी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं तो हमारी फैमिली को भी देखना होता है, मेरे बच्चे की स्टडी भी दे रहे हैं, उसके मार्क्स कम आते जा रहे हैं, उसकी हेल्थ कम होती जा रही, तो वो सब चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही है इसके लिए।
टाइम पूर्व में जो 2018 में रेट शिक्षक भर्ती हुई थी, 15 में हुई थी, उसमें एडिशनल वालों को नियुक्ति दे दी गई है और आपको नियुक्ति नहीं दी, क्या सरकार आपसे भेदभाव कर रही है? बिल्कुल कर रही है। तो आपको ही दिख रहा है कि जब 2016, 2018 और जो 2018 की जो वेटिंग लिस्ट निकली थी 2021 में, उन सब लोगों को, उन लोगों को नियुक्तियां मिली थी, जबकि विचाराधीन मामला सुप्रीम कोर्ट में उनके भी था, लेकिन उनको नियुक्तियां दी गई थी। तो हमारे साथ तो ये दोगला व्यवहार है उनका। देखिए, तमाम अभ्यर्थी सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि पूर्व में जो भर्ती निकली थी उसमें सरकार के द्वारा नियुक्ति दे दी गई है, लेकिन जो वर्तमान में पिछले वर्ष 2022 में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रीट शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, उसमें अभी तक सरकार की तरफ से नियुक्ति नहीं दी गई है। आज यहाँ पर अनशन की भी शुरुआत की गई है। मैम, आज आपने अनशन शुरू किया है, सरकार को क्या मैसेज देना से बात ये, मैं 4-5 महीनों से थक चुकी हूँ, मेंटली फिजिकली पूरी तरह से थक चुकी हूँ। अब ना जो शिक्षक होता है, जो बच्चों को जिंदगी के गुण सिखाता है, जीवन क्या होता है, मैं खुद हार चुकी हूँ बुरी तरह से, है ना। वो मेरी स्थिति ऐसी भी नहीं है कि मैं आगे तैयारी कर सकूँ, अब मैं थक चुकी हूँ। शायद गवर्नमेंट वेट कर रही है कि किसी के मरने की खबर आए, तो मैं इसकी शुरुआत करना चाहती हूँ ताकि मेरे एडिशनल धारी साथियों का भला हो सके। शायद कहाँ से आए? जी, मैं चूरू से आई हूँ सर। तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर प्रदेश भर से जुटे हुए लगातार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर सरकार से मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, पिछले 8 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, किन किन समस्याओं से आपके प्रदर्शन के दौरान? सर, एक तो ठंडे फीवर बुखार भी आ गया हम लोगों को, और है ना हम लोग खाने की भी परेशानी आ रही है क्योंकि बाहर से आए हुए बहुत से लोग अपनी फैमिली को छोड़कर आए हुए, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं और फिर भी हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। जितने भी विधायक हैं उनके पास जाकर हम आ चुके हैं, लेकिन वहाँ से सिर्फ आश्वासन मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं। ज्वाइनिंग देने का कोई तैयार नहीं है अभी तक। आने वाले समय में आचार संहिता लग जाएगी, उससे आपको नुकसान? जी बिल्कुल होगा, जितना हम लेट हो रहे हैं हमारी मानसिक तनाव उतना ही बढ़ता जा रहा है, हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, कितने तो हमारे पैसे लग चुके, कितना हमारा टाइम, हम कुछ और चीज़ पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हमें और भी एग्जाम देने, लेकिन हम फोकस नहीं कर पा रहे उस वजह से। अभी सरकार से मुख्य मांग है हमें ज्वाइनिंग दे दें। देखिए, तमाम अभ्यर्थी रीट शिक्षक भर्ती और सेकंड ग्रेड भर्ती से जुड़े हुए हैं, लगातार इनका पिछले 8 दिनों से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन जारी है और इनकी मुख्य मांग यही है कि सरकार ने जो भर्ती स्टार्ट की थी थर्ड ग्रेड की, उसमें इनको नियुक्ति प्रदान की जाए। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन सहयोगी संजय के साथ द नगरी मीडिया।